जितने भी लोग हैं आज क्या किए हैं, पाइपलाइन बिछा दिए हैं। मुकेश अंबानी क्या किए, पाइपलाइन अपने बेटा बेटे के लिए पाइपलाइन बिछा दिया, हर आदमी से 399 रुपया। जिस दिन रिचार्ज गया पहले दे तब रिचार्ज कर। हथनी और कुतिया, हथनी समझ रहे हैं, हाथी मादा हाथी, हथनी और कुतिया में दोस्ती हो गया। बोले बहन क्या हाल चाल, हथनी बोले बढ़िया। जब कुतिया बोली बहन मेरा आने वाला है छठ हो, क्या बोला छठ हो 6 महीना, बोला ओके वेरी गुड बधाई हो, 6 महीने में 6 हो गया। फिर बोला मिठाई खाओ, मेरा 6 तो आ गया। कई लोग आपको बोलेंगे अरे मेरा तो चकाचक बिजनेस, बोलने दो टेंशन मत लिया। फिर 6 महीने बाद जो बीच है कुतिया है, फिर हथनी पास गई बहन, फिर गुड न्यूज उनकी गुड न्यूज आ गया। इंसान भाग जाते हैं, ये बाप। तो जिनका बिजनेस हो रहा है बोलेंगे आपको, जिनका नहीं हो रहा है टेंशन मत ले, कोख में हाथी का बच्चा पाले 2 साल में। एक ही को आएगा, लेकिन जो आएगा ना डायमंड ही सारा बनेगा। आएगा तो इंपीरियल ही बनेगा। आप पाल रहे हो किसको पाल रहे हो, आवाज जोर से, टेंशन मत लेना। जिनका नहीं हो रहा बोलेगा मेरा फिर गुड न्यूज, बोला वेरी गुड वेल डन, है कि नहीं है। बोला हम लोग तो पाल रहे ना बाबू, बहुत जबरदस्त चीज पाल रहे हैं। जिस दिन निकला ना बेटा फाड़ चढ़ के निकल जाएगा, दुनिया देखेगी। जिनका बिजनेस नहीं हो रहा कम हो रहा टेंशन मत ले मेरे भाई बहन, टेंशन मत लो, जिस दिन होगा दुनिया सैल्यूट करेगी, अरे बाप यही शांति है, इसके नीचे डायमंड ग्राम यही है। ये हो गया आने वाला दुनिया, कैसा आप सोचते हो, जोर से सोचते हैं, बिलीव रखिए मेरे भाई। स्मार्ट वैल्यू का धंधा, देखिए बच्चा क्यों भी नहीं मार चिल्ला रहा है। ये जो बिजनेस है ना मालूम है, ये मंकी माइंड वाले लोग के लिए नहीं। मंकी माइंड समझते हैं क्या, बंदर बंदर को देखे आप, कभी एक जगह चुपचाप रहे
क्या है मालूम है, कुछ लोग मंकी माइंड वाले लोग करते कैसे मालूम है, क्योंकि उनका दिमाग में मंकी माइंड फिट है। क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, गए वहां गड्ढा खोदते हैं, एक फीट गड्ढा खोदे, अरे पानी नहीं निकला यार, बोले छोड़ हटाओ, चल वहां आगे खोदते हैं, फिर दूसरा जगह गए वहां खोदे, पानी नहीं निकला, फिर वहां गए 5 फीट गड्ढा खोदे, पानी नहीं निकला। वो जिंदगी भर गड्ढा खोदते रहते, पानी का तलाश करते रहते है कि नहीं है? मंकी माइंड, जो मंकी माइंड वाले लोग होते हैं, कभी फॉर्म टेस्ट कर लेंगे, अरे लेखपाल का नौकर फॉर्म निकला भर ले, टीचर का फॉर्म निकला भर ले, प्यून का भर ले, कहीं नहीं निकलता, कहीं नहीं निकलेगा। बात समझ पा रही है? यहां गड्ढा खोदे पानी नहीं निकला, वहां खोदे नहीं निकला, वहां खोदे नहीं निकला, वहां खोदे नहीं निकला। आज जो स्मार्ट वैल्यू में जो मास्टर माइंड होते हैं, जो विजनरी आदमी होते हैं, वो तो सारा 10 जगह में ही खो देंगे, एक ही जगह सारा छेद करेंगे और वहीं से निकालेंगे। अजय यादव ऐसा बंदा, उसके साथ में कई लोग ज्वाइन किया, कोई उधर ट्रैक करने चल गया, कोई उधर ट्रैक, 10 जगह बट गया, अजय यादव कहीं नहीं गया, कहां रहा? एक ही जगह रहा, साला खोदेंगे नहीं से खोदेंगे। अब आप खोदना चालू किया, अरे पानी नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, फिर गड्ढा करो, फिर गड्ढा करो, फिर गड्ढा करो, अरे एक ना एक दिन तो साला पानी यहीं से निकलेगा, गड्ढा खोदते रहो ना, नहीं निकलेगा टेंशन मत ले, एक दिन साला मिट्टी तेल तो निकलेगा, ये निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। अगर आप खोदते जा रहे हो, नीचे खोद रहे हो, खोद रहे हो, खोद रहे हो, पानी नहीं निकला तो मिट्टी तेल तो निकलेगा, अरे वो भी नहीं निकलेगा, डीजल तो निकलेगा, वो भी नहीं निकला, खोदते रहो साले, छोड़ो नहीं, छेद करते रहेंगे, यही छेद करते रहेंगे, यही पे डीजल नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल तो साला निकाल के रहेंगे, क्या होगा, कुछ लोग मायूस होकर छाती पीटे, छाती पीटना है, अरे नहीं निकला तो सारा गैस तो निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, अरे वो भी नहीं निकला तो कुछ लोग मातम मनाने लगते हैं, क्या करे भैया, गैस भी नहीं निकला, अबे गैस नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अमेरिका ही हेस निकालोगे पृथ्वी का एक छोर में इंडिया है, दूसरा छोर में अमेरिका है ना, तो इरा छेदा करोगे कहां निकलोगे, अमेरिका ही निकलोगे, इसलिए टेंशन मत ले, स्मार्ट वैल्यू एक दिन का विश्वास नहीं है मेरे भाई, ये बिजनेस में चिपक कर रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा, चिपक के इस बिजनेस में चिपक जाओ, मैं 14 साल से चिपक गया हूँ, हमको को छोड़ाने की कोशिश करता ना, सारा कॉलर धरते हैं और चिपका डालते हैं, ये बिजनेस, एक बिजनेस 14 साल चिपक के काम किया। आपको मैं बोलूंगा, कुछ लोग ऐसा होते हैं, आम का गुठली डाले, आम का गुठली जमीन में खोदे वहीं खड़ा रहते हैं, अबे निकल आम नहीं दे रहा, एक दिन में आम का गुठली मिलता है क्या? No. एक दिन में आम का गुठली डाले पेड़ बनता है क्या? No. उसको भी 5 साल 10 साल लगता है, लगता है ना? Yes. तो आप स्मार्ट वैल्यू में आए हो, एक दिन में सोचते हो अरे डायमंड नहीं बने, एक दिन में सिल्वर नहीं बने, भैया एक दिन का गेम नहीं है, रुको 5 साल 10 साल रुको, 10 साल में इतिहास बदल दोगे, आप बदलने वाले कौन रहेगा, आप रहोगे, आप रहोगे, आप रहोगे, ये मोटिवेशन, ये कुछ लोग यहां पे ना जो जुनून में ब्लैडर बन गए होंगे, ब्लैडर, ब्लैडर समझ रहे, अरे नहीं समझ रहे, इसको देख लीजिए, ये क्या है, किस चीज का, हवा का ना, कुछ लोग ऐसे ही हो गया, हाँ
हाँ भैया फाड़ दबो, भैया फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, अब बाहर निकले कोई ऐसे मारा पीट। ऐसा होना क्या? नो। जोर से बोलिए, ऐसा होना क्या? नो। अरे गुब्बारा बनेगा हवा का नहीं, साला लोहा का गुब्बारा बनेंगे, कोई पीट भी मारेगा ना तो पीन उल्टा उसी को चुभेगा, अपने को कुछ नहीं होगा। आज एक ओथ लेके जाओ, आज एक प्रण लेके जाओ कि भैया यही ऑडिटोरियम रहेगा, यही जबलपुर रहेगा, यही के लोग रहेंगे, अगला प्रोग्राम में अगला दो चक्का या चार चक्का का चाबी का मालिक बन के आएंगे। कितना लोग सोचते हैं ऐसा, झूठ का नहीं पक्का? कितने लोग बोलते भैया अगले बार तो वहां बैठ के ताली नहीं मारेंगे, साला यहां चढ़ेंगे और मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे। पक्का? पक्का ना? ये ओथ लेके जाओ, यही ओथ लेके मैंने गया, 80 आनंद इस जगह पहुंच गया दोस्तों। मेरा इस साल का जो बोनस है ज्यादा नहीं है, 55 लाख रुपया है भाई। कितना है? 55 लाख। आज से 14 साल पहले ब्रेक फ्री साइकिल, थाली लोटा लेके पानी चूते थे, बात समझ आ रही है? ये मिराकल हुआ जिंदगी में, ये आपकी भी हो सकती है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे भी जिंदगी में ऐसा मिराकल हो, ऐसी चमत्कार हो, चाहते हैं आप लोग? और वो चमत्कार का नाम है स्मार्ट वैल्यू, है ना? छोड़ के नहीं जा रहा है, यही रहना है। 10 जगह सलाह गड्ढा नहीं खोदेंगे, 6 डेंगे यहीं से निकाल देंगे, जिंदगी भर का पानी यहीं से निकालेंगे। हाँ या ना? आज ये ओथ लेके जाइए और अगले बार हमने आप लोगों में इंडिविजुअली नहीं पहचानता हूं, 2-4-10 लोग को जानता हूं, लेकिन अगले बार ऐसा काम करिए कि लोग आपको मैं पहचानूं, देवेंद्र ये पहचाने, विपिन ये पहचाने पर्सनली कि भैया ये बलोद का है, आपके लिए लोग तारीफ करे, ये देखिए बलोद का, ये मैहर का है, बालाघाट का है, ये छत्तीसगढ़ का है। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा काम करो कि लोग आपको लोग सैल्यूट करे, अरे बाप बनना है तो फलाना का बेटी की तरह बन, बनना है तो फलाना का बेटा की तरह बन के दिखा जो स्मार्ट वैल्यू कर। कई लोग क्या बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं बोझ है, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाता है ना, देखना उसका माँ बाप का मुंह उतर जाता है। क्या हो रे, बेटी हुई तो साला मातम क्यों मना रहा है? डांस कर, खुशी मना, तेरे घर में लक्ष्मी आई है कि नहीं है? परसेप्शन को चेंज करना है। जब बेटी होती है तो मातम मनाते हैं, बेटा होता है नारियल फोड़ता है। क्या 10 लाख का ब्लैंक चेक मिल गया है? ब्लैंक चेक मिल गया और वही बेटा नालायक निकलता है लास्ट में, है कि नहीं? Yes. मैं बोलता हूं लाइक बन के दिखाना आप लोगों को, चाहे हमारे जितने भाई बहन बैठे हैं, अपने मम्मी पापा का बोझ बनना है कि सर का ताज बनना है? सर का ताज। जोर से बोलिए, सर का ताज बनना है ना? Yes. मम्मी पापा का नाम का रोशन करना है ना? Yes. उनको अच्छी जिंदगी देना है ना? Yes. उसका एक ही जगह स्मार्ट वैल्यू में टिक के काम करो और ऐसा काम करो तो हल्का मचा दो, धूम मचा दो, धूम एकदम पूरा हिमालय पहाड़ के बराबर हो जाए। अगले बार मिलते हैं फिर, आपसे मिलेंगे तो अचीवर के साथ देखना चाहता हूं और कम से कम टूलेट तो लेके आपको दिखाना है। पक्का? मैं यही सोच रहा हूं, 600 लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ये 600 लोग ना एटम बम से कम नहीं है, है कि नहीं है? एटम बम जो होता है ना, दो जगह गिरा था एटम बम, एक हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी में। आज भी वहां का जो जनरेशन होता है ना डैमेज निकलता है, है कि नहीं है? Yeah. वो आइटम बम दो था विनाशकारी, लेकिन मेरे यहाँ पे जितने आइटम बम बैठे हैं विनाशकारी नहीं, ये ऐसा आइटम बम है कि जिनके घर में घुसेंगे डायमंड निकाल के आएंगे बाहर, है कि नहीं है? Yeah.
जिसके घर में घुसो स्मार्ट वैल्यू का झंडा गाड़ दो, है कि नहीं है? Yeah. इतने बोलकर मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको मैं बहुत सारे बधाइयां देता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ मेरे भाई बहन कि आपकी दिन दोनी रात चौगुनी हो, आपकी सक्सेस कदम चुमे, मेरी यही कामना है। थैंक यू। Thank you.